सत श्रीकाल जी सारिआं नूं, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वैल। टूडे आई हैव ब्रॉट अनदर वीडियो इन विच आई हैव कवर्ड 4 क्यू कार्ड्स इन 1 सैंपल आंसर। एक्चुअली मैंने बहुत सारे मैसेजेस आ रहे से थोड़े सारिआं दे कि मैम जंबो क्यू कार्ड लेके आओ, जंबो क्यू कार्ड लेके आओ। सॉरी आई कुडंट अपलोड बिकॉज आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। सो टूडे आई हैव ब्रॉट a new video in which I have covered 4 cue cards in 1 sample answer. Let's get started. First one is describe a time when you tried to do something but were not very successful. Second one is describe a skill that was difficult for you to learn. Third one is describe a difficult thing you did. Fourth is describe a difficult decision that you once made. मैं जिद्दा की हमेशा कहनी है कि स्टार्टिंग हमेशा अलग रहेगी बट स्टोरी इक्को ही प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुहानू फर्स्ट क्यू कार्ड पूछा जाता डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग बट वर नॉट वेरी सक्सेसफुल, यू कैन स्टार्ट विद फेल्यूअर इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ एंड वी शुड लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स। फेल्यूअर है जिहड़ा हर एक इंसान की जिंदगी का पार्ट है ते सानू साडियां मिस्टेक्स तो सीखना चाहिए। Today, I would like to talk about a time when I got unsuccessful in something that I tried for the first time. However, in second attempt, I did it. आज मैं उस टाइम दी गल करांगी जदों मैं कुछ ट्राई किता सी ते अनसक्सेसफुल रही जदों मैं पहली बार ट्राई किता सी पर सेकंड अटेम्प्ट दे विच मैं उसनु कर लिया सी। अगर तुहानू सेकंड क्यू कार्ड पूछा जांदा है डिस्क्राइब अ स्किल दैट वॉज डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न, यू कैन स्टार्ट विद Although I have learnt myriad skills in my life, myriad in the many. Here, I would like to talk about a prowess. Prowess, मैं तुम्हें पहले वाली videos दे विच भी दस्या सी, prowess का मतलब उनका skill. That was quite difficult for me to learn. Or you can say that was quite challenging for me to learn. हालांकि मैंने बहुत सारी skills सीखी हैं मेरी life दे विच, पर मैं आज उस skill दी गल करांगी, जेड़ी मेरे लिए सीखनी काफी मुश्किल सी. नेक्स्ट वाली जेडी जिन्ना दी स्टार्टिंग होएगी ना क्यू कार्ड से ज्यादा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। बस स्किल्स की जगह तुसी टास्क ऐड कर दियो। ऑल्दो आई हैव डन मेनी डिफिकल्ट टास्क इन माय लाइफ, हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई लर्नड ड्राइविंग विच वॉज रियली अ हरिकुलन टास्क फॉर मी। हरिकुलन टास्क हुंदा है मतलब इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा करेज चाहिदा सीगा करन लई। नेक्स्ट अगर तुहाडे तो फोर्थ क्यू कार्ड पूछा जांदा है डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू वांस मेड, You can see, although I have made many decisions in my life, here I would like to talk about the most difficult decision that I have ever made. हालांकि मैं बहुत सारे decision लिते हैं अपनी जिंदगी पर मैं आज उस decision की गल करांगी जेड़ा काफी मुश्किल सी मेरे लिए लेना। Let's get started. हुण आपां स्टोरी स्टार्ट करते हैं बट स्टार्टिंग वाले जेडे तुहाडे स्टार्टिंग वाली लाइन्स होंगी वो थोड़ियां बहुतियां चेंज होंगी, ज्यादा नहीं चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत ही होंगे बट स्टोरी विल बी द सेम। 2 years ago, I made a decision to learn about driving a car. 2 साल पहला मैं कार सीखने बारे एक decision लेता। It was challenging for me because I hadn't even driven a 2-wheeler before that. ये मेरे लिए काफी challenging सी क्योंकि उस तो पहला मैं कदे 2-wheeler भी नहीं चलाया सी। I vividly remember the day when I met with an accident while learning. उरे तुसी learning कर लियो driving दी जगह। मैनू चंगी तरह याद है वो दिन जदों मेरा एक्सीडेंट हो गया सी सीखने दे दौरान, कार सीखने दे दौरान। एक्चुअली अ काउ केम इन फ्रंट ऑफ माई कार, एक्चुअली एक गां मेरी कार दे सामने आ गई सी। एज आई वॉज नॉट अ परफेक्ट ड्राइवर, जिमें कि मैं परफेक्ट ड्राइवर नहीं सी, आई गॉट नर्वस एंड हिट द कार इन अ ट्री। ते मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गई ते वो कार है ट्री दे विच मारी। Since that day, I left the thought of driving a car. उस दिन तो बाद मैं कार चलाने बारे सोचना बंद करता। Last month, I joined a job and my workplace is 20 km away from my house. Last month, मैं job join कीती ते मेरा workplace है मेरे घर तो 20 किलोमीटर दूर है। So I had to commute by public transport. Commute दा मतलब होंदा travel. इस करके मैनू public transport दे through travel करना पैंदा सी. And I always got late because of its inconvenient service. ते मैं हमेशा इस inconvenient service करके late हो जांदी सी. Then I shared my problem
विद माय ब्रदर एंड ही आस्क्ड मी टू लर्न ड्राइविंग अगेन। फिर मैं अपनी प्रॉब्लम अपने ब्रदर नु शेयर कीती ते उन्हें मेनू ड्राइविंग है जेड़ी दोबारा सीखण लई किया। इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। हार्ड नट टू क्रैक एक ईडियम है जिसका मतलब होंगे काफी टफ सी मेरे लिए, एज आई ऑलरेडी हैड अ फोबिया ऑफ ड्राइविंग, क्योंकि मैनू पहला ही ड्राइविंग का मेरे अंदर काफी ज्यादा डर सी, फोबिया होंगे काफी ज्यादा डर। Therefore, I resisted means मैं मना करता। However, my brother uplifted my spirit एक idiom है जिसका मतलब होया कि मेरे brother ने मैंने encourage किया सी। idiom मैं अपने पहला वालिया videos दे विच भी use किया है, cue cards दे sample answer विच use किया है and तुसी काफी ज्यादा cue card दे विच इसनू cover कर सकते हो। And told me that he would teach me to drive a car. बट मेरे ब्रदर ने मेरी स्पिरिट नू अपलिफ्ट किया, मतलब मेनू इनकरेज किया ते उन्हें मेनू कहा कि ओ मेनू कार चलाना सिखाएगा। इट टुक अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 days टू ओवरकम माई फियर। 12 to 14 days लगे मेनू मेरे डर तो बाहर निकलने लिए। फाइनली आई एक्सल्ड इन इट, फाइनली मैं इस परफेक्शन प्राप्त कर ली। ऑल इन ऑल आई कैन से दैट नाउ नॉट ओनली कैन आई ड्राइव अ कार विदाउट अ हिच। विदाउट अ हिच एक ईडियम है जिसका मतलब होंगे बड़ी ईजीली। हूँ मैं ये कहांगी कि मैं सिर्फ कार नू चला ही नहीं सकती ईजीली, बट ऑल्सो आई कैन टीच दिस प्रोवेस टू अदरस, बल्कि यह स्किल है मैं दूजिया नू सिखा भी सकती हूँ। सो इस तरह मैं 4 क्यू कार्ड एको ही सैंपल आंसर दे विच कवर की।